आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हलचल तेज है क्योंकि यहां पर निकाय चुनाव आ गए हैं। 4 मई और 11 मई को दो चरणों में मतदान होगा, उसके बाद 13 मई को यहां पर परिणाम सामाएंगे और स्पष्ट हो पाएगा कि शहर की सरकार किसने बनाई है। मैं सरकार ही बोलूंगा क्योंकि गली मोहल्लों की सरकार है। पर इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे फिलहाल गहमा गहमी में लगे हुए हैं, क्योंकि यहां पर अतीक और अशरफ का जिस तरह हत्याकांड हुआ, वो कानून व्यवस्था पर एक ऐसा प्रश्न बना गया है जिसकी गूंज फिलहाल लगातार बनी रहेगी। मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान लेगा और याचिकाएं दाखिल का जो दाखिल हुई हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में संज्ञान ले चुका है। कारण क्या है? कारण यह है कि इस हत्याकांड की गूंज ऊपर तक गई है और जनता को भी एक मैसेज गया है कि ये कैसी व्यवस्था है जिसको तहत यहाँ पर एक हत्याकांड हो जाता है। पुलिस अभिरक्षा में खुलेआम 3 नौजवान युवक, 2 अपराधी जो पुलिस अभिरक्षा में थे, उनको ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, उसके बाद भी कानून व्यवस्था को यहाँ बेहतर बताया जाता है। खैर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सत्ता पक्ष बोलता आ रहा है कि हमारी जो सरकार है, या पुराना कार्यकाल के देखें या नए कार्यकाल की बात देखें, तो ना दंगे हुए, ना यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया और ना ही यहाँ पर कोई समस्या हुई। अपराधी भाग गए हैं, अपराधी के नाम से जनपद प्रख्यात थे, उन जनपदों से लोग डरते नहीं थे, अब डरते हैं नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अपराधी पहले लोगों को डराते थे, अब अपराधी लोगों से डरते हैं, अपराधियों के बीच भय आ चुका है और कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश में कानून का राज है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा। यानी अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पहली बार बोले और पहले बयान में उन्होंने इस तरह की बातें कही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण चर्चा विषय और भी है कि जब उन्होंने ये बयान दिया, खैर इस बयान के मानने के आज तो विपक्ष भी जानता है और शायद हम भी जानते हैं, पर आज प्रयागराज में कुछ बमबाजी हो गई और बमबाजी ऐसी हुई जिसको लेकर कहा गया कि जो अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा, उनके घर के पर बंग मारे गए। खैर, हालांकि कमिश्नर ने कहा कि ये बमबाजी उनके घर पे नहीं हुई, गली में आपस में कुछ लोग झगड़ गए और बमबाजी की घटना हो गई। खैर, पर जो दयाशंकर मिश्रा का बयान है कि हमको डराया जा रहा है, अब बार को हम शिकायत करेंगे, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। अब सच्चाई क्या है, ये शायद जिन्होंने बमबाजी की वो जानते होंगे, या जो बमबाजी से पीड़ित हुए वो जानते होंगे, या कमिश्नर का बयान अलग है और दयाशंकर मिश्रा का बयान अलग है। और ये बात घटना तब हुई है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी सुशासन की बात उस कार्यक्रम में कह चुके थे। चर्चा में से महत्वपूर्ण फिलहाल मुख्यमंत्री का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने आज अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने बोलते हुए उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात कही, कानून की राज की बात कही। बयान देखते हैं। अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं विश्वास नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, माफियाओं की हिम्मत नहीं है। जो जनपद में जाने से लोग डरते थे, उन जनपद में लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये बात मुख्यमंत्री ने स्वयं एक कार्यक्रम के दौरान कही। पर जिस तरह से घटना दिखा रही, मैं आपको घटना दिखा रहा हूँ जो टीवी स्क्रीन घटना चल रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बता रहे हैं कि कानून का राज है, तो दूसरी तरफ आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर
कि यहाँ बमबाजी की गई है और ये बमबाजी प्रयागराज की है। यहाँ पर आवाज़ मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ कि आवाज़ बड़ी है, और बमबाजी की गई है, और बमबाजी अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा के गली के आसपास की गई है। ये बात कमिश्नर प्रयागराज ने अपने बयान के दौरान कही है। खैर, चर्चा वैसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर चर्चा जरूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का बयान आया है कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इस पर एक प्रश्न लगना अभी लाजमी है, क्योंकि अभी जिस तरह से यहाँ पर एक प्रकार से बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर प्रश्न उठाना जरूरी है। कानून का राज है, दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा, सुशासन है, माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए, एनकाउंटर हुए हैं, उस बात की मैं बात मान भी लेता हूँ, पर जो प्रयागराज में हुआ, उमेश पाल की हत्या हुई, शायद क्या ये कानून का राज था, या अतीक और अशरफ की जो हत्याकांड की गई, क्या वो भी कानून का राज था, ये प्रश्न उठाना जरूरी है। मैं सुशासन की बात को नकारता नहीं हूँ, पर जो घटनाएं अभी हाल में हुई हैं उन पर भी प्रश्न उठाना लाजमी है। मैं पूरी चर्चा से आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से अश्विनी शाही भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे तरुणा श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगे, और प्रवेश पत्रकार रूप में सुनील त्रिपाठी अपनी बात रखेंगे। आपसे मेरे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा अश्विनी शाही से रहेगा। अश्विनी भाई, यहाँ पर मुख्यमंत्री उस घटना के बाद यहाँ कार्यक्रम में आए, बोले तमाम बातें, उन्होंने की दंगे की बात, उन्होंने की दंगे नहीं हुए, सुशासन है, कर्फ्यू नहीं लगा, सही बात है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, कर्फ्यू नहीं लगा तो नहीं लगा, पर जो व्यवस्थाएं अभी हाल के समय में घटित हुई हैं उस पर भी प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं चूक है, या कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था पर और काम करने की जरूरत भी है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और देखिए, काम निरंतर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर पूरा भाषण आपने सुना हो तो उन्होंने जो जो बातें बताई, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 100% अचीव कर ले गए, उन्होंने कहा दंगे नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगा जी। तो ये दंगों वाला प्रदेश कहा जाता था। अच्छा, एक सफलता पाए वो जी। संगठित अपराध के बारे में उन्होंने कहा कि अब माफियाओं का फोन जो है वसूली के लिए नहीं जाता है जी। एक माफिया जो दुर्दांत मारा गया है, चलिए वो हालांकि निंदनीय घटना थी, लेकिन दुर्दांत अपराधी ही था वो, कोई साधु संत नहीं था जी। उसके ही लोगों ने, उसके जो है साढ़ू के छोटे भाई जीशान ने ये कहा है कि हमसे पैसे मांग रहा था, हमारे घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अच्छा, और एक दिन और बैठे हुए थे सज्जन, एक बता रहे थे कि हम लोग एक कॉलोनी बन रही है वहां पर आ जाते थे, अच्छा भाई घर बना रहे हो, लाओ 5 लाख रुपए लाओ, 2 लाख रुपए लाओ। इस तरीके की घटनाएं करने वाले, अब वसूली वाला गिरोह खत्म हो गया जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना, काम अभी बाकी है जी। अभी एक आपने देखा होगा, एक लिस्ट दूसरी जारी हुई है जी, बिल्कुल हुई है, जो पूरे प्रदेश के बहुत भारी भारी माफिया हैं लोग उसमें जी जी। तो काम अभी बाकी, 25 करोड़ का प्रदेश है, आपको ये मानना पड़ेगा गौरव जी जी। और 25 करोड़ का प्रदेश में एकदम से राम राज्य ले आ पाना, और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि ये छिटपुट घटनाएं तो इतने बड़े प्रदेश में होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगी जी। पुलिस को मुस्तैद करना है, जो इन लोगों ने खाई खोदा है, अपने अपने बगीचे में जो फूल लगाया है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फलाने ढिकाने के नाम पर समाजवादी पार्टी ने जो फूल लगाया था अपने उसमें जो है बंगले में, वो फूल अब जब टूट रहे हैं तो देखिए ये लोग बिलबिला रहे हैं। यही बात हमको ये करनी है कि धीरे 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 जनता ने इनको बाहर किया है, हमको लेकर आए हैं, अब हम लोग इन चीजों को दिखा रहे हैं। आज देखिए पूरे प्रदेश में उस हत्याकांड का, मैं मानता हूं कि चलिए मैंने पहले भी कहा जो निंदनीय था वो हत्या हो गई उसमें, लेकिन दोनों जो मारे गए हैं वो उन अपराधियों के वजह से, उसके दुर्दांत बेटे के वजह से जनता में खुशी का माहौल है। एक असद का जो जनाजा निकला था गौरव जी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही है जी, कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को तो जूता मारने की बात कर रही है वो। अच्छा, तो ये कहीं भी किसी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बुराई नहीं की है, जनता प्रसन्न है, और सभी वर्गों की जनता, क्योंकि ये दूसरे दलों के लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, और हम लोग संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हर तरह से संतुष्ट करना है उनको जी। ये भी है सुनी भाई कि आपने कहा कि काम करना बाकी है, और मुस्लिम महिलाएं यहाँ बता रही हैं कि चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और हम पूर्व मुख्यमंत्रियों को जूता मारेंगे,
ये कहां तक व्यवस्था ठीक है? उन्होंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ले क्या कामों की सराहना की जी। योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी चाहे शौचालय बनवा रहे हो, राशन अच्छा। दे रहे हो, चाहे जो है उनका महिलाओं को घर दे रहे हो अच्छा। जाति देखकर पंथ देखकर नहीं हो रहा है, काम किया जा रहा है गौरव जी। अब देखिए क्या दोहरा मापदंड उन लोगों को दिखाई दे रहा है। असद को जब जहां एनकाउंटर हुआ उसने गोली चलाया तो पुलिस ने उसको गोली मारा, तो वहां पर लोगों ने कहा अरे भाई गोली नहीं मारते, पकड़ लेते उसको, और वही ये हत्या हुई और पुलिस वालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और उन हमलावरों को पकड़ लिया, तो लोग कह रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाया पुलिस ने। आज स्थिति ये हो गई है विपक्ष की, कि किस बात पर हम लोग माने इनकी बात को, ये दोहरा, ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या कहें क्या करें। जी गौरव जी, अश्विन भाई आपने बोला अभी कि एक लिस्ट और जारी हुई है उसमें भी कार्रवाई होगी, ये भी स्पष्ट है, माफिया बच नहीं पाएंगे जी, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को मिटाना जी, चाहे वो जेल में जाएं और वो पुलिस पर गोली चलाते हैं तो ऊपर जाएंगे अच्छा, ठीक और है। नहीं तो ठीक है, तीसरा भ्रष्टाचार को मिटाना, ये एकदम एक प्राथमिकता है माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, माफिया बच नहीं पाएंगे, महत्वपूर्ण यहाँ पर जवाब दिया है अश्विनी शाही प्रवक्ता भाजपा ने। नितिन भाई, माफिया बच नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री ने आज बयान दिया है अतीक अशरफ के हत्याकांड के बाद, आज पहली बार एक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा न दंगे हुए न कर्फ्यू लगा, माफिया भाग गए, न वसूली हो रही है, आज प्रदेश में कानून का राज है। कैसे देखते हैं आप, लिस्ट भी जारी हो गई है अन्य माफियाओं की, बचेंगे नहीं कोई? स्वागत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के उस बयान का जी, अगर वास्तव में जी मुख्यमंत्री जी की कथनियों करनी में कोई अंतर नहीं है जी, और भाई हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं हाँ। उस लिस्ट में जो बहुत बड़ा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, अच्छा ठीक, ब्रजभूषण शरण सिंह पर 88 मुकदमे हैं, नहीं नाम नहीं है ठीक, 84 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे हैं जी, धनंजय सिंह 106, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे जी, उदयभान सिंह जी 83 मुकदमे जी, क्या कहेंगे इस पर, इन पर कार्रवाई कब होगी, और इनके जो सांसद जी जिन पर 88 मुकदमे, अभी तो खिलाड़ियों ने इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए थे जी, और देश के जो देश का सीना चौड़ा करने वाले साबित हुए जी। अरे सनी जी अभी हाँ। आपका बारी आएगी, अभी आपने बोला हमने सुना, नितिन जी मैं आपको बीच में क्लियर कर दूं कि जांच हो चुकी है और वो निराधार साबित हुआ आरोप। अरे 88 मुकदमे, कितने मुकदमों की आप जांच कर रहे हैं, और इसके बाद आप भी देखिए वही लुटेरे वही डोली के कहार वही जांच करने वाले वही आरोप लगाने वाले, तो ये फिर कैसी जांच होगी सबको पता है, तो इन पर क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हाँ। तो आखिर उत्तर प्रदेश छोड़कर के भाग गए थे, इसके पास भी उत्मेश पाल की हत्या हो गई अच्छा, चलिए उसके बावजूद जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो बड़े दुर्दांत अपराधी थे, वो सूरत की जेल में बैठ करके भी गैंग ऑपरेट कर रहे थे, सूरत की जेल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सम्मान जी जिनका नाम लिया जा रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान अच्छा सम्मान क्यों ले रहे हैं आप भाई, अरे इतना सम्मान, अरे ये क्यों, आपके सूरत के जेल में बैठ के वो आरोपी ऑपरेट हाँ। कर रहे हैं हाँ। तो ये क्या कहा जाएगा इनको, इतना और सम्मान, अरे इतना सम्मान आप दे रहे हो उनको जी, और उनको अरे और इसके भाई सुनो भाई अपराधी तो थे, और ये जिन्होंने उनकी हत्या की लवलेश तिवारी हाँ, ये सनी सिंह हाँ, ये अरुण मौर्य हाँ, ये क्या साधु संत से ये उत्तर प्रदेश छोड़ के कब भाग गए थे, जो आते हैं और एक कैदी उसको कैदी कहूंगा जो पुलिस की अभिरक्षा में था, न्यायालय से सजा याप्ता था, उसका मेडिकल कराने कस्टोडियन है वो स्टेट का, स्टेट का जो कस्टोडियन है हाँ। और उसको न्यायालय से लाया जाता है उसका मेडिकल कराने के बहाने, और वो अपराधी जो आकर के सरेआम पुलिस की अभिरक्षा में एक कैदी की हत्या करके चले जाते हैं, ये कौन से साधु संत थे, लवलेश तिवारी किसका साथ जो जय श्री राम का नारा लगाता है, ये किस गैंग का है, किस पार्टी का है, कहाँ का साधु है, किस आश्रम का निवासी है, कितने तपस्या करके आया था और आकर जय श्री राम के नारे लगाए और बोले इसने तो बध कर दिया, और आपके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो कर्मों का फल है जो ईश्वर देता है, तो ये ईश्वर के बंदे थे, ये अपराधी नहीं थे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, और आज दयाशंकर मिश्रा माननीय अधिवक्ता है और उनके घर पर बमबाजी की जा रही है, और पुलिस जिस तरीके
तरीके से, और वो खुद बयान दे रहे हैं कि ये मेरी हत्या करने का प्रयास है, मुझे डराया जा रहा है, मुझे सुरक्षा। तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करना ये है कि अपने मुंह खुद के गाल बजाना हो गया, अपने मुंह खुद मियां मिट्टू बनो। एनसीआरबी के आंकड़े सरकार देती है, एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में नंबर वन है। पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में अपराध बढ़े हैं, दिन दहाड़े थानों में रेप हो रहे हैं, सड़क चलते हत्याएं हो रही हैं। अभी हेमंत यादव बलिया की छात्र की हत्या की जाती है, मुख्यमंत्री के समाज के लोग हत्या कर देते हैं, क्या उनके घरों में बुलडोजर आप चलाएंगे? आप सदन में कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या हेमंत यादव के हत्यारों पर बुलडोजर चलाएंगे? उनका एनकाउंटर होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या लोलेश तिवारी का एनकाउंटर होगा, क्या सनी सिंह का एनकाउंटर होगा, इनके घरों में बुलडोजर चलाए जाएंगे? आखिर ये एक तरफा एनकाउंटर तो आप जैसे कह रहे हैं कि हम पकड़ के मार दे रहे हैं। बिल्कुल, वो गोली चलाए तो उनका एनकाउंटर होगा निश्चित रूप से। अरे इससे ज्यादा वो पुलिस पर गोली चलाकर तो देखे, अरे इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? 29 तारीख को गोली चलाकर देखे भाई, 29 तारीख को, 29 मार्च को एक कैदी पुलिस तुमको जेल से निकलवाएंगे और मरवा देंगे, और इसके बाद दो हफ्ते ठीक बीतते हैं और वो मार दिए जाते हैं। इससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति कुछ नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर को तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए सरकार में, इसके ऊपर माला फूल चलाने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो ये हो गई है कि वो श्रद्धांजलि की स्थिति में हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज हो गया, जंगल राज सरकार में। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए, अभिमन्यु त्यागी को लेता हूं। एक एक लाइन का जवाब मैं, क्योंकि भाई हमारे समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। देखिए फरवरी 2015 में विकी त्यागी एक अपराधी था, मुजफ्फरनगर की कोर्ट में मार दिया जाता, उस समय लॉ एंड ऑर्डर इनका अच्छा रहता है। रामबाबू गुप्ता अम्बेडकर नगर में मार दिए जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है। यही उमेश पाल का अपहरण होता है, ये रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता है। क्या लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष मिश्रा सुली थाने में मार दिए जाते हैं, आपका लाइन ऑर्डर कितना अच्छा रहता है? भाई लाइन ऑर्डर आप दिखा रहे हैं, होटल में जाता है व्यापारी, पुलिस उसकी हत्या कर देती है, आपका लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है। बलवंत सिंह पुलिस उठा के लाती है, जवाब सुन लीजिए नितिन भाई, नितिन भाई जवाब सुन लीजिए, उसकी हत्या कर दी जाती, आपका आपकी तो पुलिस हत्यारी हो गई है। हाँ। हमारे यहाँ आप जिसकी बात कर रहे हो, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, पुलिस हत्यारी हो गई है। अरे गौरव भाई जी बोलिए, पुलिस आजम खान जी संसदीय कार्य मंत्री थे, मनीष गुप्ता बलवंत सिंह इसके जीते जागते उदाहरण है, पुलिस हत्यारी हो गई, पुलिस बलात्कारी हो गई। जवाब सुनिए भाई, जवाब सुन ले, पीड़िता जाती है, दरोगा जी बलात्कार कर देते हैं, कन्नौज में दरोगा जी थाने में बलात्कार कर देते हैं, पुलिस हत्यारी, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। वो नीरज मिश्रा मिले कहां गए वो पता करिए। पहला मैं ये कह रहा हूँ कि आज कहे कि पुलिस हत्यारी हो गई है, आजम खान जी संसदीय कार्य मंत्री थे गौरव जी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि हमारे सरकार में 1044 पुलिस वालों पर हमला किया गया है जी। ये कितना अंतर है, देखिए पुलिस को हत्यारा बता रहे हैं, उस समय पुलिस इनकी गोली खाती रहे, मार खाती रहे, ये सरकार चला रहे थे ये लोग। अच्छा ठीक है, बयान दिया है उन्होंने सदन में, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आजम खान जी के बयान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ 1100 पुलिस वालों की इस तरीके से जो है कांड कर रहे हैं, उनको चप्पल जूता लातों से मारा जा रहा है, 4 साल पूरा हुआ था, उसके दूसरे दिन दरोगा सरोजिनी नगर में मार दिया जाता है। सिपाही शहीद होते हैं जी। इसी सरकार में विकास दुबे के द्वारा 6-6 पुलिस केस में एक सीओ दरोगा सिपाही शहीद होते हैं, ये कहां से सरकार हो गया, आप लोग हो गया, हो गया, ठीक हो गया, हो गया। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस, अभिमन्यु भाई भैया आप लोग तो बोलते नहीं है, कम आवाजें आती है, ट्वीट वीट तो सपा देखा ट्वीट तो कर देती है, पर आप तो नाराज लगता है, कोई घटना होती है तो उसमें बोलते कम है, खैर ठीक है, अभी क्या आपका जवाब रहेगा? सुशासन मुख्यमंत्री ने बताया है आज अपनी बात में, उन्होंने कही है कहीं ना कहीं घटनाएं जो हुई हैं उन पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। कांग्रेस की क्या राय है कि चर्चा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जी। गौरव जी सबसे पहले आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम जी। गौरव जी, पूर्व की भी सरकारें रही हैं जी और वर्तमान की जो सरकार रही है जी, अपराध तब भी रहा है, अपराध अब भी हो रहा है जी। कोर्ट में विक्की त्यागी की हत्या हुई जी, समाजवादी पार्टी की सरकार जी, रविंद्र भूरा की हत्या हुई जी,
तब सरकार किसकी थी? जी सीओ जियाउल हक की हत्या हुई जी, सवाल उठे सरकार को घेरा गया। अच्छा, डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या हुई लीजिए, सरकार को घेरा गया समाजवादी पार्टी की सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई, हत्यारे जब रिहा होकर आए तो उनके गले में फूल मालाएं डाली गई जी, क्योंकि अपराध पहले भी हुआ जी, लेकिन अपराध जो अब हुआ उसमें कहीं भी अपराधियों का महिमा मंडन नहीं किया गया था पहले, अब उनके गले में फूल माला डाली गई, इंस्पेक्टर सुबोध के जो हत्यारे थे उनके गले में फूल माला डाली, ठीक। और अतीक और उनके भाई गुजरात में और बरेली जेल में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह जेल से गिरोह चला रहे थे, उनके गुर्गे अपराध कर रहे थे, उनके बेटे ने जो आरोप है और उनके लोगों ने जो हत्या करी उमेश पाल की और साथ में दो पुलिस वाले शहीद हो, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को तो ही चुनौती मिली उत्तर प्रदेश की, ये पोल खोल रही है सब बातें। अब रिसेंटली ही सामने देखने में आया कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ जी, जो खुद सांसद भी रहे और विधायक भी रहे जी, उनकी लाइव वीडियो चल रही थी जी, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे जी, और उसमें हत्या कर दी गई। आज की घटना है प्रयागराज की कि बमबाजी हुई जी, ये खुलेआम हो रहा है, अखबार का पन्ना पलटोगे आप तो रोज हत्याएं रोज लूट की घटनाएं हो रही है, सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा दे लेकिन आम जन के मन में जरूर भय है। अच्छा, और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है सब जानते हैं, हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, ये बताएं कि मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई थी जेल में जी, कितने लोगों पर बुलडोजर चला, ये बताएं अतीक अपराध जेल से बैठ के करा रहा था, बड़ा अपराधी था तो उसकी उस दौरान कितने बुलडोजर इन्होंने चलाया प्रॉपर्टी पर। अच्छा, इस सवाल का जवाब होना चाहिए, कितने एनकाउंटर हुए, और उन्हीं की रिश्तेदार ने एक पीसी करी और एक माननीय मंत्री पर आरोप लगाया 5 करोड़ रुपए का, उनसे आज तक पूछताछ की नहीं हुई, जो जेल में जो उन्हें संरक्षण प्राप्त सुविधाएं मिल रही थी किसका आशीर्वाद था राजनीतिक लोगों का, उस पर कभी सवाल क्यों नहीं हुए, ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें करना बेईमानी है जी। असल बात यह है कि अगर कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी पे सवाल उठाए जाएंगे इस तरह से, तो सीधे एनकाउंटर ठोको पीटो मारो काटो ये सब बात चलेंगी, लेकिन असल बात जो कानून का राज रहना चाहिए और कानून का राज नहीं दिख रहा है। अच्छा, लोगों के मन में भय है कि कब कौन सवाल पूछते हुए गोली ना दागते। अच्छा ठीक है, आपकी राजस्थान में सरकार है अभिमन्यु भाई, सरकार राजस्थान में आपकी है, वहां के एनसीआरबी के आंकड़े पता है आपको? बताइए आप, हमें तो पता है, आपको पता है कि नहीं पता है? आपको आयना दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल, मैं यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रिटेन में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, माला नहीं डाली जाती। अच्छा, गले में माला नहीं डाली जाती। अच्छा, मंच पर नहीं बिठाया जाता। अच्छा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जी जनवरी में अभी एक अपराधी मारा गया है लादेन और विक्रम, पुलिस वालों ने जो है वो ऐसे ही जैसे मेडिकल कराने ले गए थे उसकी हत्या हो गई और गोली चलाया गया, दो महिलाएं भी घायल हो गई और आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। असली ताकि जी कोई जवाब है आपके पास? अलवर घटना बता रहे हैं, देखिए लादेन नाम था उसका जी, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें क्योंकि हम ये सरकार तो आपकी वहां है भाई, एक लिस्ट बकायदा चलती है सोशल मीडिया पर। नहीं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरोप लगाए, आप आरोप लगाए विपक्ष में, मुख्यमंत्री खुल के आरोप लगाइए, पर मेरा कहना है जहाँ आपकी सरकार बनी है कम से कम वहां भी कानून व्यवस्था में बात कर लिया करिए, मैंने आपको याद दिलाया, कहना चाहते हैं अच्छी बात है, वहाँ विपक्ष है घेरना चाहिए, मुझे वहाँ के एनसीआरबी के आंकड़े पता है, वहाँ पर जुलूसों में क्या होता है वो भी पता है, कितना सामाजिक सौहार्द बना के रखे वो भी पता है, मुझे जानकारी है कांग्रेस की, लेकिन दलितों के साथ क्या व्यवहार होता है मुझे भी पता है, किसी जाति को किसी धर्म को संरक्षण मिला हुआ है जी। ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है। टर्मा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, टर्मा जी भाई क्या राय है आपकी, सुशासन की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है, मंच से कही है, उन्होंने कहा है ना दंगा ना कर्फ्यू, माफिया बाहर ना वसूली, और आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में, कैसे देखती हैं? कानून की धज्जियां उड़ाने वाली ये सरकार। अच्छा, कानून की जब बात करती है तो पूरे प्रदेश के लोग हंसते हैं। अच्छा,
जिस प्रकार इन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम पर इन्हें बढ़ा रखा है, किसी के भी घर पे जाके बुलडोजर चला देते हैं, कानून व्यवस्था कानून ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है, कोर्ट की बात मानते नहीं। तन्मय जी किसी के समझ में नहीं आ रहा, किसी क्या होता है, किसी घर क्या होता है? अरे किसी आप देख लीजिए, कानपुर में एक किसान का घर जो है इनके इनके अधिकारियों ने जाकर गिरा दिया, बिल्कुल गिराया, उसमें आग लगा, दो लोग उसमें मर गए, बिल्कुल पता है, दो मां बेटी थी, हाँ, तो आम नागरिक का घर जला दिया। तो ये तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे कारनामे आम जनता के करते रहते हैं, वो मीडिया नहीं दिखाती। अच्छा। हमें मालूम होता है क्योंकि हम लोग जब जमीन स्तर पे काम करते हैं। अच्छा। तो ये छोटे छोटे हमारे गाजियाबाद में कई सारी दुकानों पे बुलडोजर चला दिया गया। अच्छा। वो तो मीडिया ने नहीं दिखाया। अच्छा। आम नागरिक के पटपड़गंज में चला क्या दुकानों पर? और आपको मैं बता दूं, अगर कब्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा कब्जा भाजपा के नेताओं ने जमीनों पे कर रखी है। असली भाई उन पर तो बात आ, होती नहीं है। हम लोग कब्जा कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आरोप लगा के भाग जाना इनका काम है। अगर इन्हें इनके संयोजक कहते हैं हम एनार्किस्ट हैं, बुलडोजर ही चलाना है। अच्छा। और बदमाशों को सड़क पर ऐसे ही शूट करके मार देना है। एक घटना गौरव जी से पूछ लीजिए जिसमें बुलडोजर चला है और वो कोर्ट गया हो और कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई हो, एक घटना पूछ लीजिए जरा। कानून की किताबें जो इतने सालों से लिख लिख कर बनाई गई, संविधान गैर कानूनी कहीं हुआ लगा दीजिए, जला दीजिए, आपको कानून मानना ही नहीं है। अच्छा। कानून के तहत तथ्यों के साथ बात करिए भाई, ये तो गुंडों से बड़े बहुत बड़े गुंडे हैं ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा। लेकिन जो के बड़े गुंडे हैं इनका ये कहना है, ये गिनती जो गिनवाते हैं वो मुस्लिम अपराधियों की गिनाते हैं। अच्छा। पंजाब में क्या हो रहा है गौरव जी? अच्छा। आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बीच में पंजाब में क्या हो रहा है जरा देखिए, अभी बट्टो की कौन गुंडे हैं, अभी बट्टो की असली भाई सुन लीजिए पहले, जवाब दीजिएगा। मुस्लिम अपराधियों के नाम गिनवाते हैं, उनकी जो है उनके अपराधों को गिनवाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता या जनता को ये मालूम हो चुका कि अपराध मुस्लिम अपराधी तो खत्म करने के लिए बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन जो हिंदू अपराधी बना रहे हैं हमारे बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को जो अपराधी बना रहे हैं, ये 20-21 साल के लड़के जाके अतीक को गोली मारा है, जो अपना ठीक से पजामा नहीं पहन पाते होंगे बताइए, और उन्हीं की पुलिस की गाड़ियों में चल रहे हैं वो मीडिया बनकर, ये मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अच्छा। ये मजाक चल रहा है? आप बताइए, जालौन में 22 साल की लड़की को 20 कॉलेज में पढ़ने वाले दो लड़कों ने गोली मार दी बिल्कुल मार दी, बिल्कुल मार्केट में। आप हिंदू, आप ये देख लीजिए उनके वकील के यहाँ बम जो छोड़ा है वो हर्षित नाम के लड़के ने छोड़ा है। आप हिंदू लड़कों को बदमाश बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर आप आए थे और हिंदू परिवार के लड़कों को ही गुंडा बना रहे हैं। हम 150 करोड़ लोगों की सुरक्षा के नाम पर आए थे, हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर नहीं आए थे, सबका साथ सबका विकास का नारा था हमारा। बताइए अतीक को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए। आप हमारे जो आराध्य हमारे भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, आप जैसे लोग अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जय श्री राम के नारे लगा के गुंडागर्दी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगा के आप मुस्लिमों के एरिया में चले जाते हैं, जय श्री राम। बहुत दर्द है, बहुत रोष है भाई, बहुत दर्द, बहुत रोष है। ठीक है तन्मय जी, हो गया। सुनील त्रिपाठी बड़े पत्रकार, सुनील भाई पहले जब अल्लाह हुआ हो गया, हो गया करके आतंकवादी जब बम फोड़ते थे तो लोग डर जाते थे, अब जय श्री राम के नारों से उत्तर प्रदेश की जनता डर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने श्री राम का अपमान किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। शर्म जब केजरीवाल जी को नहीं आ रही है जी, हो गया। अतीक को तो जो ऊपर वाले ने सजा दे दी, लेकिन आपको तो सजा भी नहीं मिलेगी। चल ठीक है, आप तो तड़पेंगे। अरे अरे ये क्या भाई, ये क्या तरीका है, आप बद्दुआ क्यों दे रही भाई ऑन द वे? ठीक है, कौन तड़पेगा कौन नहीं तड़पेगा सबका फैसला होगा, ठीक है, इतनी नाराजगी ठीक नहीं। ठीक है, बड़े पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, इन्हीं के ट्रैक पे चलने का काम कर रही हूँ मैं, क्या करूँ? अरे बद्दुआ थोड़ी दे रहे हैं, वो थोड़ा बोल रहे हैं कि आप तड़पे, अरे आप, अरे वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आप लोग तड़पे भाई, हमें भी इसी हो गया सुन लीजिए थोड़ा सा, सुनील त्रिपाठी बोल रहे हैं जय श्री राम के नारे। हाँ, अरे ये साजिश भी हो सकती है। अच्छा, एक धर्म विशेष को लेकर के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो गौरव जी,
मुझे व्यक्तिगत अफसोस इस बात से है कि 70 सालों में कभी पत्रकारिता के आड़ में कोई पत्रकार आकर के इस तरह घटना घटित नहीं हुई। मैं तो लाइव देखा हूँ भाई, क्या कहे ये पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लाइव हट्टा कांड हुआ है। गौरव जी, पत्रकारों कैमरों में आया है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती जी। सरकार कहीं कहीं मैं दोषी मानता हूँ, गली गली में ऐसे पत्रकार कार्ड ले घूम रहे हैं कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, पूर्व में अपराधी रहे हैं और कार्ड जारी हो गई है, जारी हुई है, अब जारी हुई। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य होता है कि जब गौरव जी जब कुआं आग लगती तब कुआं खोदा जाता है। ये चीज सरकार को पहले ध्यान देनी चाहिए और वर्तमान में इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक गाइडलाइन गवर्नमेंट को देना चाहिए कि कम से कम चपरासी के लिए आपके वहाँ ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पत्रकार के लिए कोई डिग्री जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी। और ऐसे ही जैसे बार काउंसिल में परीक्षा होती है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल से कि पत्रकारों की भी एक जांच होनी चाहिए और परीक्षा पास करे उसको पत्रकार की डिग्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यही हाल रहा तो पत्रकारिता और पत्रकार दोनों संदेह घेरे में आ जाएंगे। हो सकता है जाते आ गए भाई, आ गए गए हैं, आ गए भाई, आ गए गौरव जी। कल मंत्रियों की अनुमति में रोक लग गई है, सरकार बोली मन चाहिए भाई। जी जी। दूसरी बात देखिए गौरव जी, कहीं न कहीं मैं व्यक्तिगत इस बात पे मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये चूक है। ठीक है, जैसे हमारे कई मैं देख रहा हूँ कि राजनीति बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह की चूक करके अतीक की हत्या होना ये एक सरकार के लिए चेतावनी भी है कि किसी भी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री की, पदाधिकारी की या पत्रकार की या अफसर की हत्या हो सकती है, इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि गौरव जी बहुत मैं देख रहा हूँ कि नाम ही लेने में डर रहे हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था एक चैनल पे जी, उसमें 10 जज ऐसे हैं हाईकोर्ट के जिन्होंने केस सुनने से अतीक का इनकार कर दिया, लीजिए दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। मैं राष्ट्रीय चैनल बैठा देख रहा था और उस समीक्षा हो रही थी उसकी कि मानी 10 जज हाईकोर्ट के अपना केस ट्रांसफर कर दिए, अतीक के खिलाफ जाने में हिम्मत जुटा नहीं पाए। ये ऐसा दुर्दांत अपराधी था जिसका नाम लेने में भाई में लोग डर रहे हैं और उसको कोई जी कह रहा है, कोई ये कह रहा है। ठीक है, सांसद थे हमारे, विधायक थे, वो बात अलग थी, लेकिन जो अपराधी होता है गौरव जी उसकी कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी कोई मजहब होता है। अपराधी चाहे किसी जात में हो, अपराधी होता है, मैं उसको अपराधी मानता हूँ। और अपराधियों को पाला किसने? गौरव जी आप अतीत पे गौर कर लीजिए, पालने वाले जन्म देने वाले कांग्रेसी, पालने वाले सपाई और बसपाई, अंजाम पहुंचाने वाले भाजपाई। अच्छा, ये मेरा मानना है। आपकी सरकारी पूर्व मंत्री तो क्या वो गायब हो गया था उत्तर प्रदेश से? अरे गायब हो गया था जरा यार, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि कांग्रेस ने जन्म दिया, बसपा सपा ने पोषित किया, बसपा ने पाला और आप में उसका जो है खात्मा कर दिया। तो मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि जब आपकी सरकार थी, आपके भी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं जी, आपको याद होगा तीन मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ जी, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता रहे। तो समय अतीक क्या छोड़कर भाग गया था? नहीं भाग नहीं गया था, पल नहीं रहता क्या? इतना साहस नहीं जुटा पाए अपराधियों की, जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपना निर्णय ले रहे हैं, इतना साहस भी तो होना चाहिए। जज ने सजा सुनाई, उस माननीय को प्रणाम करना चाहिए, कम से कम 10 जजों की हिम्मत नहीं पड़ी, उसकी हिम्मत। आपने मेरी बात को घुमा दिया, घुमा नहीं रहे हैं। मेरा कहना यह, आपने कहा ना कि कल्याण सिंह जी ने श्री प्रकाश शुक्ला को जो है उसके समय में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था, याद करिए जी, मुझे याद है, मुझे याद है। देखिए शाही जी, तो अतीक का एनकाउंटर क्यों हुआ उस समय जी? लीजिए भाई, अगर श्री प्रकाश को बताया हो आपने जी, आपको का हुआ तो अतीक का होना चाहिए। यही राजतंत्र है श्री भाई। देखिए लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, समानता का अधिकार है, चाहे वो अपराधी अतीक हो, चाहे अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे अपराधी कोई और हो, कानून और संविधान सबके लिए। सबको जवाब देंगे अश्विनी भाई, सबका जवाब आपको देना है, नितिन भाई का भी, अभिनव भाई का भी, और प्रवक्ता आप जिन्होंने आपको काफी कुछ बताया है, क्या बोलेंगे? देखिए अभिमन्यु जी को मैंने बताया कि लादेन उर्फ विक्रम अच्छा की हत्या हो जाती है, मेडिकल कराने ले गए होती है पुलिस और वहां पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, वो अपराधी भाग जाते हैं, 2 महिलाएं और वो विक्रम, तीनों घायल हो जाते हैं जी। कम से कम प्रयागराज में उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया गया और वो जमा है, अब उनके राज खुलने का इंतजार कीजिए कि आईएसआई का संबंध निकलता है, लश्करे तोयबा का निकलता है, या विरोधी दलों के नेताओं के द्वारा हत्या का षड्यंत्र कहां से है, वो 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा। विरोधी दल नेता द्वारा निकल सकता है, आएगा आएगा। अच्छा आएगा,
किसी का आएगा, मैंने कहा ना लश्कर तैयबा है, आईएसआई है, कहीं ना कहीं वैसे ही आएगा। सुनील जी जैसे 29 तारीख को बयान देता है तो दो हफ्ते मेरी हत्या हो जाएगी और उसकी हत्या हो जाती, ऐसे ही भाजपा के प्रवक्ता का बयान आएगा। इसके बाद में किसी अपराधी से कहलवा दिया जाएगा कि इसमें फलाने भी पक्षी दल के नेता का आता था और उन्होंने हमको सुपारी दी थी जाओ अतीक को मार दो जा करके, मेरे यही आएगा। गौरव भाई नितेंद्र भाई बोल रहे हैं ना? हाँ नितेंद्र भाई बोल रहे हैं। अरे बस 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 मैं चाह रहा था, देखिए ये कितने भविष्य वक्ता हो गए हैं ये लोग। अच्छा कि राम गोपाल जी कह रहे हैं कि उनके चारों बेटों की हत्या हो जाएगी, ये कैसे भविष्य वक्ता हो गए हैं लोग? सुनील जी उसने कैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, उसने स्वयं स्वयं बेचारा अतीत के बच्चों की हत्या हो जाएगी, ये भविष्य वक्ता है लोग? अरे आप भविष्य वक्ता नहीं, वो स्वयं दूरदृष्टा अपराधी दूरदृष्टा हो गया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। नहीं अश्विनी जी मेरा सुनना पड़ेगा, अश्विनी जी उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि हमारी हत्या हो जाएगी और हत्या हो गई। उसके भाई ने 29 मार्च को कहा कि दो हफ्ते में पुलिस के अधिकारी ने मुझे वार्निंग दी है कि जेल से निकालूंगा तुम्हारी हत्या। ठीक दो हफ्ते पूरे होते हैं और 16 तारीख को दोनों भाइयों की हत्या हो जाती है। इससे ज्यादा और दूरदर्शी परिणाम और भविष्य के परिणाम, और अभी आज आपने दो माफियाओं की लिस्ट जारी की है। मैं पूछता हूं जिसके ऊपर 106 मुकदमे वो माफिया नहीं होता है, ब्रजेश सिंह का नाम उस सूची में है। जिसके ऊपर 84 मुकदमे होते हैं वो माफिया नहीं होता है, ब्रजभूषण सिंह का नाम है उस लिस्ट में। जिसके ऊपर 46 मुकदमे होते हैं धनंजय सिंह का नाम है उस लिस्ट में। विनेश सिंह जिसके ऊपर 34 मुकदमे उसका नाम है, नितिन का नाम है 42 मुकदमे वाले का, क्यों नहीं नाम है लोगों का भाई? अरे आप तो जवाब तो सुनेंगे सुनेंगे। आप जिस तरीके से अपराध को अलग अलग क्लियरिफाई कर, मैं आज हमारे सुनील त्रिपाठी जी की बात से मैं 90% सहमत हूँ कि आज जिस तरीके से अपराध को प्रायोजित किया जाता है, वर्गीकरण किया जा रहा है जाति विशेष में कि एक व्यक्ति अपराध करेगा तो पूजनीय हो जाएगा और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। और हमारे साथी पत्रकार अभी गौरव जी ने पूछा कि तीन तीन सरकारें इसके बीच में आपकी रही, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, फिर कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चार चार सरकारों में ये माफिया क्या उत्तर प्रदेश से गायब हो गया था? और आपको ये बात बताने में बार बार क्यों शर्म आती है कि अतीक अहमद को पहली बार जेल अगर किसी ने भेजा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में फरवरी में उसको जेल भेजने का काम किया गया, तब से लगातार जेल में था। 6 साल आपकी सरकार थी, देवरिया की जेल से वो आतंक करता रहा, बलिया की जेल से उसने अपराध किया। नितिन भाई मतलब मैं बाहर बैठा हूँ, इसका मतलब क्या सारा लोकतंत्र की हत्या ही कर देंगे आप? नहीं पूरा लोकतंत्र तो आप तो चिंता रखे, लोकतंत्र की हत्या करने लग गए आप, बताइए। और हमारे देखिए ऐसा है कि हमारे हमारे कल्याण सिंह के समय में अपराधी किस तरीके से थर थर काटते थे, श्रीप्रकाश शुक्ला से बड़ा कोई अपराधी नहीं था और पुलिस के ऊपर गोली चलाया मार दिया गया, आनंद पांडे मारा गया, श्रीप्रकाश शुक्ला मारा गया, अजय कौन सा सुधीर था, कितने मारे गए उसके साथ, और एक कुत्ता था अतीक अहमद का, उससे हाथ मिलाते हुए किसी मुख्यमंत्री की फोटो आपने देखी होगी, और एक और नेता थे जिनके ऊपर बड़े मुकदमे थे, साइकिल से दिल्ली भाग गए थे इटावा से, उनका नाम सुना नहीं चंद्र भाई आपने? अच्छा चौधरी अच्छा। चरण सिंह के पास भाग गए थे, वो भी तो अपराधी थे। अरे हम अभी कहेंगे तो मुकदमा ही नहीं था, साधु हो गए जिनके ऊपर 106 ले रहे हैं भाई, हम नाम नहीं ले रहे हैं। अरे ना जिनके ऊपर अब देखिए अब आप चिढ़ेंगे, नहीं चिढ़ेंगे नहीं भाई, अब ये पूछ रहे हैं भाई, देखिए अब मतलब हमने आपका सुना, आपने हमको डांट दिया कि सुनना पड़ेगा, सुनाइए तो आप भी तो सुन लीजिए ना, सुनाइए। साइकिल से इटावा से दिल्ली अपराधी भाग जाते हैं, ऐसे भी है यहाँ अपराधी। अच्छा आज के दिन में न कोई किसी के कुत्ते से हाथ मिलाता है, मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में रहेंगे या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या फिर मार दिए जाएंगे। ये ठोकरे का मिट्टी में मिला देने का काम करने का बात किया था उन्होंने, वो मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इनको आगे बढ़ाया। अभी मैं देख रहा था सामने मेरे टेलीविजन चल रहा है, अखिलेश यादव खड़े हैं और अतीक जा रहा है लपक के उसको उनके सामने और मिल रहे हैं एकदम से, कितने प्यार कितना था, राम गोपाल जी का वही प्यार दिख रहा है। अच्छा राम गोपाल जी का वही प्यार दिख रहा है, अरे बाप रे हमारे तो गए अब पता नहीं क्या क्या था मामला। तो ये अपराधियों को खाद और पानी देने का काम, महिमा मंडन करने का काम आप लोगों ने किया है। अच्छा जो व्यक्ति एक आतंकवादी को वलीउल्लाह नाम था उसका,
5 करोड़ रुपया लेके बैठे हैं। अरे देखिए आप बीच में कब मंत्री कब इस्तीफा देंगे, कब पार्टी से निकालोगे, ये कौन है, ये कौन है आपके सरकार के मंत्री हैं? नंदगोपाल नंदी, वो बोले अपने टर्म पे बोलिए, नंदगोपाल नंदी जी हैं। सुनिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब देना, सबको जवाब देना, सिर्फ बोलिए, तरुणा श्रीवास्तव का जवाब भी देना आपको। जी बोलिए। नहीं मैं अगर किसी दिन मैं आपके स्टूडियो आ जाता हूँ, नितेंद्र भाई आ जाए और चैलेंज करता हूँ मुझसे तेज वो चिल्ला पाए, चैलेंज करता हूँ भाई, मैं तो दूर हूँ जी, ये कहीं बैठ के चिल्ला सकते हैं भाई, मैं तो देख पा रहा हूँ किसी को सुन पा रहा हूँ। इस सरकार को देखिए, वलीउल्लाह जी नाम सुनिए, वलीउल्लाह जी, वलीउल्लाह ठीक आतंकवादी था और वो आतंकवादी जो है उसको छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, किसकी सरकार थी, हाईकोर्ट से डांट पीड़े की पद्मश्री देंगे आप जी। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है माननीय ब्रजलाल जी, विक्रम सिंह डीजी थे, कुछ आतंकवादी आ रहे थे उसमें एक की मृत्यु हो गई थी, मुलायम सिंह यादव ने अपने डीजीपी के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया कि आतंकवादी, अरे इतना वो था आतंकवादी के मरने पर। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, एलएमजी बरामद किया था उन्होंने, कितना बड़ा काम किया था, लेकिन उनके ऊपर किस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उनको वापस इस्तीफा देना पड़ा। अरे आप और ये लोग जी क्या करते हैं, बात कर रहे हो गरीबों का मसीहा, इतना खूंखार आतंकवादी को जेल से छोड़ के कंधार तक छोड़ने जाते रहे हो। आप वो लोग हो जो आतंकवादियों को जेल से निकाल कर कंधार तक छोड़ने जाते रहे, आपके कार्यकाल में संसद में हमला, आपके कार्यकाल में उरी, आपके कार्यकाल में पुलवामा, आपसे ज्यादा कोई आतंकवादी जवाब नहीं लेंगे क्या? सुनिए जवाब दे रहे हैं गौरव भाई। अब ये एक एक चीज बोलते हैं कि मुझे सब घटना याद आ जाती। अच्छा। आप यूपीए की सरकार थी जी, और सैफुद्दीन सोज नाम के एक मंत्री थे कांग्रेस के जी, उनकी बेटी रुआबा सोज जी, उसका अपहरण होता है, कितने आतंकवादी छोड़कर आते हैं ये लोग, गुलाम नबी आजाद उनके साले का अपहरण होता है जी, कितने आतंकवादी छोड़े जाते हैं बताएंगे हमको नितेंद्र जी? यूपीए की सरकार में ये थे उनके जी, हमारी सरकार में आप जो है आरोप लगा नहीं सकते हैं। बताइए आज तो साधु संतों की सरकार है, आज तो देश में ईमानदारों की सरकार आज है, अपराधी मारे आज जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सफाई चल रही है, स्वच्छता अभियान, लालेश तिवारी कौन है, अपराधी स्वच्छता अभियान, जो जेल गए सर, जेल गए उनको फांसी होगी, आप बता दे रहा हूँ आपको, आज जेल गए उनको फांसी होगी, वो निकल नहीं पाएंगे आप। लीजिए लीजिए और दूसरा एक लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तरुणा जी की बात पे बोल लीजिएगा भाई। गौरव जी एक लाइन कह के मैं बात खत्म कर दूं अगर इजाजत हो। बोले 18 महीने में महिला अपराध पर हमने 35 फांसी की सजा दिलवाई जी, पिछले 6 साल में 11,000 लोगों को सजा हुई, जिसमें 1,000 लोगों को आजीवन कारावास, 1,000 लोगों को 10 साल से ऊपर की कारावास, 3,000 लोगों को 10 साल की कारावास, उससे नीचे लोगों को 2 साल 3 साल 8 साल की कारावास। फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनवाया जी, 77 लाख मुकदमे ई पोर्टल पर हमने डाले हैं, सरकार में बने थे ये लोग, क्या कोर्ट समाजवादी सरकार बने थे, आपने क्या बनवाया? आप तो डिस्ट्रिक्ट चला रहे हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा कर रहे थे, सारी चीजें, अरे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आप पैदा कर रहे हो, हम लोगों ने तो इत्र की फैक्ट्री कन्नौज में किसने लगाई थी, आपने कहां बंद कराया? हमने सोलर प्लांट हमने लगवाए, इतने सड़कें हमने बनवाई, मेट्रो हमने बनवाई, स्टेडियम हमने बनवाया आपने, अरे इतना बड़ा स्टेडियम, आपको सड़क आगरा से लखनऊ इतना बड़ा यही दिखाई पड़ रहा है, अरे सदन में जवाब नहीं दे पा रहे हो, सदन में पूछी गई एक नहीं फेरिस्त, सदन बनवाए हम नहीं बनवा रहे हैं, पूछा मुख्यमंत्री से एक का जवाब नहीं दे पाया, आप क्या बात करोगे? हो गया उन्नीस, आप नाम चुराते हो, इतना बड़ा ही काम है, त्यागी बोलेंगे भाई, अटल बिहारी बात थोड़ा त्यागी जी बोलेंगे, आपका वहाँ त्यागी जी विकास पर ध्यान, त्यागी जी यहाँ पर अश्विनी भाई बोले हैं कि कांग्रेस पैदा की थी अतीक को, आप पैदा किए थे क्या ये सुनने अश्विनी भाई जी? इनका काम सिर्फ आरोप लगाना ही आरोप लगाएं। अच्छा। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है जी कि अगर कोई अपराधी भी है जी, तो उसको कानूनन राइट है कि वो उसका मामला कोर्ट में चले जी, पेशाब आतंकवादी था लेकिन पूरी जुडिशरी सिस्टम के तहत उसको सजा मिली। बिल्कुल। अगर कोर्ट करे कचहरी पे विश्वास ही नहीं रहेगा, जिस तरह से आजकल भाजपा आईटी सेल और मीडिया के एक वर्ग द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अच्छा। कि बहुत अच्छा हुआ इस तरह से मारा गया।
अच्छा, तो फिर कोर्ट कचहरी की तो जरूरत ही नहीं है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं सब लोगों के सामने कि किस तरह से दो पुलिस वाले शहीद हुए, रात में उमेश पाल की हत्या हो गई जी। उसके बाद असद का किस तरह से एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये सवालिया निशान है, इसकी जांच होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर होते हैं। अच्छा, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है। अच्छा, पूरे देश भर में 645 उत्तर प्रदेश का नंबर वन है। 117 रोड पे क्यों नहीं आ रहे, रोड पे आ जाइए इसके लिए। अतीक और जिस तरह से लाइव वीडियो चलते हुए हत्या हुई, सरकार पर तो सवालिया निशान है जी। हम अपराधी का तो कहीं फेवर नहीं कर रहे, ना कोई करता है फेवर नहीं करने वाला, कहीं कोई अपराधियों को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अच्छा, लेकिन एक जुडिशियल सिस्टम है, उसके तहत विपक्ष में है कि नहीं, अच्छा हो। और इन्हीं की सरकार प्रयागराज में आज बमबाजी हुई है, सरकार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार को अभिमन्यु भाई सवाल ले लीजिए, उधर की बात नहीं करनी जी। अभिमन्यु भाई मेरा सवाल ले लीजिए, आप विपक्ष में है कि नहीं है, आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, आप विपक्ष में है कि नहीं है? देखो, विपक्ष का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। क्या कर रही है बता दीजिए। जनहित के जो भी सारे मुद्दे हैं, शिक्षा के, इतना बड़ा कांड हो गया, आपने बातें बोल दी, बता दिया, सड़क पे कब उतरेंगे भाई? कांग्रेस पार्टी उठाती, अब कब उतरेंगे सड़क पर? अगर इतनी बड़ी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब है तो उतर जाइए अगर सड़क पर, मीडिया वो भी कवर करने आएगी। आपने बोल दिया मीडिया प्रोपेगेंडा बनाती है, आप उतरते नहीं सड़क पर और मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया दिखा रही है, उतरिए सड़क पर, मीडिया कवर करने आएगी। और बताइए, प्राइम टीवी कवर करने आएगा, उतरिए सड़क पर, मैं कवर करने आऊंगा, बताइए उतरिए। कानून व्यवस्था के खिलाफ उतरना चाहते नहीं है, जनता को बताएंगे कि हम जनता के लड़ रहे हैं, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आप चश्मा बदल दीजिए। अरे तो मैं चश्मा क्यों बदलूंगा भाई, मुझे दिख रहा है अभी राहुल गांधी वाले बयान में आप सड़क पर थे, राहुल गांधी सजा हुई आप सड़क पर थे, कानून व्यवस्था सजा में सड़क पर कब आएंगे? पुत्र के लिए एक शब्द भी नहीं करता, बिल्कुल निकलेगा। अब अनु भाई मेरी बात का जवाब दीजिए, अभी राहुल गांधी को सजा मिली, आप सड़क पर थे, आप राहुल गांधी जी पे पहुंच रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी को सजा हुई तो आप सड़क पर थे, आप कानून व्यवस्था की सड़क पर कब आएंगे? आरोप लगाया उसके बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में आपने कभी डिबेट क्यों नहीं रखी? कांग्रेस पार्टी उन बातों को उठा रही है जो जनहित का मुद्दा है, आपने क्यों नहीं उस बारे में कभी चर्चा करी? क्या आपने करी? अच्छा, नहीं करी तो आप सवाल नहीं पूछेगा। जो जनहित का मामला कांग्रेस पार्टी भी उठाती है, जनता ने पसंद किया कांग्रेस पार्टी को, कोई नहीं उठाता। सबसे ज्यादा सत्ता इसने मिली है, जनता की असली पार्टी, जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। एक विधायक उत्तर समय मिलेगा, चलिए चलिए ठीक है ठीक है। तरुण श्रीवास्तव बोलिए। अरे आपके शोर मचाने से कुछ होगा थोड़ी ना? अच्छा ठीक है भाई, आप चलिए, हो गया, ठीक है। तरुणा जी कुछ बोल रही थी आप जी, जी की आवाज नहीं आ रही। इस उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही है जी, वो किसी को बोलने नहीं दे रही। अच्छा, बोलने नहीं दे रही। अगर धरना करने सड़क पे कर जाते हैं तो आपको पुलिस से पिटवाती है जी, फिर कई दिनों तक थाने में बंद कर देती है जी, कई सारे केस ला देती है। हमारे माननीय संजय सिंह जी पर 18 मुकदमे, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, संघर्ष कर रहे ना, दिखता है। अभी माफी मांगने जाने वाले हैं वो, जब खुद जब सपा की सरकार थी उन पर मुकदमे थे तो वो सदन में बैठ कर रो रहे थे कि हमें विपक्ष, वो सत्ता में बैठे लोग हमें परेशान करते हैं। अच्छा, वो तो आज भी फोटो वायरल होता है योगी जी का। अच्छा, फिर विधानसभा में आने के बाद अपने सारे अपराध उन्होंने हटवा दिए, ये अपने अपराध तो हटवा दिए और विपक्षियों के अपराध नहीं हटवाए आपने, केस नहीं हटवाए आपने। अच्छा, ये जो ये उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है, ये जनता और आपने कहा था भाजपा वाले गुंडों के बड़े गुंडे हैं, और आम आदमी पार्टी जितनी ईमानदार पार्टी है, जनता के मूलभूत सुविधाओं पे ईमानदार पार्टी है, किसी से जिसके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार में बंद है, वो ये ईमानदार पार्टी है। अरे दो ही है भाई, आर्य कहा भाई, श्री भाई, अरे मंत्रालय कितना था देखिए ना जी, आंकड़ा लंबा बोल दिया, आप दो ही है भाई, आधे से ज्यादा बोल दिया भाई, ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, मंत्रालय तो आधे से ज्यादा था, क्या सोच के बैठे हैं क्या अंदर भिजवाने के लिए? नहीं, आधे ज्यादा से लेकर मुख्यमंत्री भी उसी में लपेटे में है ना। अच्छा 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 अच्छा, मुख्यमंत्री तो मतलब आधे से ज्यादा होते ही है, हमें मारने का, पीटने का, हमारी महिलाओं के भी कई जगह शर्मा जी की आवाज बढ़ाई है, हाथ पैर तोड़ दिए। ये लोग तो ऐसे लोग हैं, छात्र अगर आंदोलन करते हैं अपने लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप उन्हें गुंडे घोषित कर देते हैं, आप उनसे केस ला देते हैं, वो बच्चे पढ़ने आए
आप उनकी यूनिवर्सिटी के पैसे पैसे नहीं देते, उनकी सुविधाएं नहीं देते, उनके खाने का पैसा नहीं देते। ठीक है, जवाब लेता, जवाब लेता। अरे अध्यापकों की तनख्वाह दे दिया आपने जी। तनुमा जी जवाब दे रहे हैं, अश्विनी साहब पूछ रही है। तनुमा जी अश्विनी साहब जवाब दे रहे हैं आपको। अरे नाराज मत होइए तनुमा जी, अश्विनी साहब आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अरे दिल्ली के विद्यालय के अध्यापकों का तनख्वाह दिया आपने जी, दे पाए नहीं दे पाए। दूसरा जी, यमुना साफ हुई नहीं हुई, टूटी में साफ पानी आया नहीं आया, और कंडक्टर कितने थे जब आप लोग आए थे, आज कितने बचे हैं पूरे बसों में, जरा सा इसका भी एक वो करिए। यमुना तो मथुरा नहीं होगी, दिल्ली है। आतिशी जी जाकर कह रही हैं कि स्कूल नया है, कुछ था ही नहीं यहाँ। तो वो बड़े शिक्षा मंत्री जो विश्व के पटल पर चमचमा रहे थे, वो क्या कर रहे थे भाई? जो दूसरे शिक्षा मंत्री आपकी जा रही हैं, कह रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, 76% बच्चे फेल हो रहे हैं, ये है शिक्षा मॉडल। और शराब मधुशाला जेल कराती मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे मेल कराती मधुशाला। अच्छा। और यहाँ पर जेल कराती मधुशाला, एक पर एक फ्री। शाम के टाइम ये लोग शाम का टाइम है भाई, एक पर एक फ्री है, मत बात कीजिए इन लोगों से। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप ले आते एक से एक, एक के ऊपर एक फ्री। अच्छा। जेल कराती मधुशाला, आतंकवादियों के घर में रुकने वाले अनार्किस्ट माननीय श्रद्धेय केजरीवाल जी, जो आतंकवादियों के पोषक हैं, खालिस्तानियों के पोषक हैं। अच्छा। अभी माफी मांगने जाने वाले हैं गुजरात, सम्मन आ गया 23 तारीख को, 23 मई का। अच्छा। क्रिमिनल केस है मानहानि का। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितिन भाई आप कुछ बोल रहे थे गोमती और यमुना जी के लिए, मथुरा में साफ नहीं हुई। नहीं, इन्होंने जो बात की गंगा सफाई पर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट भाई। लेकिन आज की डेट तक गंगा सफाई में क्या हुआ? बोलिए, कंटिन्यू। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में गोमती को साफ करके दिखाया, गोमती का इतना बढ़िया रिवर फ्रंट बना के दिखाया, और एक मॉडल तैयार किया कि इस तरीके से गंगा भी साफ हो सकती है। हमने बनारस में काली नदी का उदाहरण देके दिखाया, लेकिन ये तो सिर्फ बजट ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा। एक कागज में पूरी पूरी गंगा साफ कर देते हैं। अच्छा। पूरा का पूरा हजारों करोड़ का बजट कागज में साफ हो जाता है, गंगा जी बेचारी आज की है वैसी की वैसी गंदी है। तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी सवाल करने से पहले अपने गिराबान पे भी झांक लेना चाहिए। अच्छा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह देंगे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि कौन अपराधी जिसकी लंबी फेरिस्त है। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि लवलेश तिवारी एक अपराधी था। आप कह रहे हो सनी सिंह के ऊपर इतने मुकदमे हैं, आप कह रहे हो अरुण इतना बड़ा अपराधी था, और ये आते हैं। और जैसा कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि वो पुलिस वैन में बैठ करके आए थे। अच्छा। और इससे ज्यादा हमारे साथी आज सुनील त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी सवाल कि पत्रकार बनकर के आते हैं, आईडी लेकर के आते हैं, और इतना बड़ा सुरक्षा घेरा, बड़े प्यार से, इतना बढ़िया वो पिस्टल जिसके मतलब आम प्रोविटेड है, जो आम आदमी के पास उपलब्ध हो सकती, उस पिस्टल से सटा करके गोली मारते तन्न धन्न, और इसके बाद में जय श्री राम समर्पण। पुलिस का जरा सा एक होल्डस्टर पे हाथ भी नहीं जाता, इससे ज्यादा नकारापन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हो सकता है। बिल्कुल की पुलिस सरकार, मैं कह रहा हूँ, ये हत्याएं करा रही जानबूझ करके, इस पर निश्चित रूप से उच्च स्तरीय कहना, सरकार ने हत्याएं कराई है, शायद संपर्क नहीं है। ठीक है सुनील भाई जी, अश्विनी भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक सुनील भाई, जब गौरव जी जी, मुझे अफसोस होता है जी कि जब राजनीतिक दल कहते हैं ना कि आपकी सरकार में पुलिस वालों ने किया, हाँ। आपकी सरकार में ये पुलिस वालों ने किया, अफसोस इस बात का है कि सत्ता बदलती है, राजनीति बदलती है, लेकिन पुलिस तो वही रहती है कि नहीं रहती, बताइए आप। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है, सारे पुलिस अधिकारी हटा दिए जाते हैं क्या? अच्छा। या भाजपा सरकार आती है, हाँ। तो क्या पुलिस अधिकारी हटा दिए जाते हैं? पुलिस अधिकारी वही है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा का आचरण होगा, पुलिस राजा के इशारे पर चलती है, जो भी आदेश होता है ऑर्डर में लिखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने चाहा है, माननीय मुख्यमंत्री की चाहत पे पुलिस काम करती है, प्रशासन चाहत पे काम करता है। जैसे नेतृत्व करने वाला राजा होता है, सैनिक उसके साथ वैसे ही काम करते हैं। अच्छा। अगर हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का या देश के किसी कोने का, हाँ। सही ढंग से सही नेतृत्व से कार्य करना चाह रहा है, हाँ। तो खादी और खाकी मिल करके अपराधियों को जमीन से खोद के बाहर निकालने की ताकत रखती है। कौन सी खाकी और खादी मिल गई थी क्या?
प्रयागराज में कौन सी खादियों खाकी मिल गई थी? अरे मैं बता रहा हूँ नाम लेकर के, सरकार का मंत्री जी, खादी और जहाँ उसकी बहन कह रही 5 करोड़ और खाकी करते हैं, असद ने खुद और उसके भाई अशरफ ने कहा 29 तारीख को कि पुलिस के बड़े अधिकारी ने मुझे धमकी दी, 2 हफ्ते मरवा देंगे, ये थी खाकी। और उसकी बहन ने जिनका नाम लिया कि 5 करोड़ रुपया ले चुके हैं और भाई ने कहा ले लो जाके उधार है, तो वो अब मेरे फोन में उठाते खादी। सांसद बनाया, विधायक बनाया, वो कौन था? वो खाकी थी, खादी थी। गौरव जी मेरा एक छोटा सवाल है, 5 बार उनको बनाया, 5 बार निर्दलीय बनाया कि खाकी बनाया? बता रहा हूँ अपराधी किसने पाला, बताइए। 5 बार जो निर्दलीय विधायक हुआ है उसको जनता ने बनाया, 5 बार निर्दलीय विधायक दिया। जो व्यक्ति 5 बार विधायक हो जाता है, निश्चित रूप से जनता जब उसको प्रमाण पत्र देती है तो कोई भी राजनीतिक दल उसको टिकट दे सकता है, लेकिन जब उसका चरित्र उजागर हुआ तो उसी राजनीतिक दल ने उसको जेल भेजने का भी काम किया। क्या उससे पहले राजनीतिक दल नहीं जानते थे कि ये अपराधी है? और कहां छोटा सा आदमी कहां पहुंच रहा, कैसे पहुंच रहा राजनीति तक, उसकी पूरी यात्रा दौर में सारे दल गुजर चुके हैं। तो आपने कहा था कांग्रेस की भी सरकारें रही, भाजपा की भी सरकारें रही, बसपा की भी सरकारें रही और सपा की भी सरकारें रही। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा खाकी और खादी अपराधी को दो ही पालते हैं, या तो खाकी पालती है, ये मेरा अपना मानना, या खादी पालती है। अगर दोनों एक हो जाए तो मेरी समझ से नहीं, मुझे करीब 25 साल नितिन जी पत्रकारिता करते हो गया है और क्राइम में मैंने देखा है, अपनी आंख से थानों में सुना है कि अपराधी जान लगा पुलिस पकड़ लगा के आती है और नेताजी का फोन आता है उसको छोड़ जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सहमत हूँ, सहमत हूँ तो आप बताइए। खादी और खाकी जब एक हो जाती है तो अपराधी पनपता है, और खादी और खाकी जब एक हो जाती तो उसी अपराधी को निस्त नाबूद कर दिया जाता है। जब भी राज खुलने की बारी आती है, चैनल से लेकर हम लोग नाम ले रहे हैं सनी का, लोलेश तिवारी का, ये मोहरे हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, जो मास्टरमाइंड चाहे वो राजनीतिक हो या कोई अतीक का अपना जानने वाला हो, जो जांच को जाएगा, ये जांच का विषय है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये सलाहे अगर आए हैं तो कहां से आए हैं। गौरव जी एक सेकंड में आप सुनूंगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में इतने हथियार बरामद हुए, मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हाँ बरामद हुए। मैंने कहा ये हथियार आए कहां से, किसने इसको बनाया है? डीजीपी साहब रिटायर हो गए हैं, चुप हो गए मेरे सवाल से, जवाब नहीं दे पाए। ठीक है हथियार आए तो आए कहां से, कौन जनक उसका है? आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने का बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी योगी आदित्यनाथ के आज की बयान पर। उन्होंने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि यूपी में सब कुछ बढ़िया है, न दंगा है, न कर्फ्यू है, अपराधी छोड़ के भाग गए हैं, न वसूली होती है और न जनपदों का डर है। ठीक है, उनकी अपनी बात, अपने सुशासन की यहाँ पर दावे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिस अतीक और अशरफ का हत्याकांड पर बवाल हुआ है उसको जन्म देने वाले कौन थे? जब जब अपराध का राजनीति में बढ़ावा होगा तब तक ऐसे माफिया पैदा होते रहेंगे। लिस्ट जारी करिए, कुछ नाम जोड़िए, कुछ नाम हटाइए, उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है। अगर वास्तव में परिणाम बेहतर चाहिए तो अपराधी को अपराधी नजर से देखिए। जब अपराधी को आप केवल अपराधी रूप में देखेंगे तो तमाम बड़े नाम भी उसमें शामिल हो जाएंगे और तब कार्रवाई उन पर भी करनी पड़ेगी। अपराध को उस व्यवस्था से देखते हुए, ये समझते हुए कि ये अपराधी है, न कि जाति धर्म का है, कार्रवाई करिए। और जब जब अपराध का राजनीति में बढ़ावा होता है तब तक राजनीति दूषित हो जाती है। राजनीति सेवा के लिए बनी है, ना कि अपराध के लिए, बढ़ावा देने के लिए। सब सरकारों ने यहाँ पर क्या किया है ये सबको पता है और जनता जनार्दन भी जानती है कि कोई माफिया टांगे वाले से लेके करोड़पति 1000 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है ये बिना राजनीति के संभव नहीं है। अगर वास्तव में समाज को कुछ बेहतर करना है या वास्तव में समाज की परिभाषा बदलना है, अच्छे समाज की स्थापना करना है, तो राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मत दीजिए। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अपनी राजनीति में, अपने दलों में जो नेता दागी हैं, अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, पहले उनको राजनीति से अलग करना पड़ेगा, तभी एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकते हैं। वरना चर्चाएं भी चलती रहेंगी, डिबेट भी चलते रहेंगे, हत्याकांड भी होते रहेंगे, बयान भी आते रहेंगे और हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे। परिणाम के लिए संघर्ष भी करिए, मेहनत करिए और समीक्षा करिए कि किसको किस में जोड़ना है और राजनीति में अच्छे लोगों को कैसे लाना है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी, एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुसारी। दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर सिर्फ प्राइम टीवी पर। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का।
मोदी सरकार के 9 वर्ष भाजपा की समाज के हर वर्ग व लाभार्थी तक पहुंचने की तैयारी, एक माह चलेगा अभियान। राज्यपाल आरिफ खान का बड़ा बयान, बोले स्वायत्तता के बिना केरल के विश्वविद्यालय सरकारी विभाग बन जाएंगे। इंडिगो फ्लाइट से टीएमसी नेता मुकुल रॉय लापता, भाजपा से तृणमूल में शामिल होने वाले रॉय लगातार पब्लिक की नजरों से दूर थे। कर्नाटक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले मोदी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, आए क्या। गुजरात में आप नेता को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, बीजेपी नेताओं पर दिया था अपमानजनक बयान, जमानत पर थे गोपाल इटालिया। सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट हुई वायरल, मुकदमा दर्ज। निकाय चुनाव से पहले सपा रालोद गठबंधन, 3 सीटों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी, रालोद 2 दिन में लिस्ट करेगा जारी। बरेली में महापौर टिकट के लिए खींचतान, सपा में टिकट मिलने के बाद शुरू हुई गुटबाजी, बीजेपी का सस्पेंस देखकर बसपा ने टिकट होल्ड पर रखा है। बांगरमऊ में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, सपा अध्यक्ष के लिए 26 ने कराया नामांकन, सुरक्षा के रखे सख्त इंतजाम। इमरान मसूद ने यूपी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, सहारनपुर में बोले अब तो हमें भी डर लगने लगा है, कोई हमें ना गोली मार दे। अजीत डोभाल से मिले रूस के डिप्टी पीएम, इंटरगवर्नमेंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, बजट का मकसद ट्रेड बढ़ाना। पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर ईशान निंदा का आरोप, भीड़ ने कैंप घेरा, पुलिस ने बचाया, 2021 में श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जला दिया था। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई, अब तक 180 लोगों की मौत, लगातार हो रहे हमले। अमेरिका के कैलिफोर्निया गुरुद्वारे में गोलीबारी मामले में 17 गिरफ्तार, मशीन गन और AK-47 बरामद, इनमें 2 माफिया भारत में वांटेड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस